हाँ शाह, कैसा है? बढ़िया। 4 लाख का लोन चाहिए। हो जाएगा मैडम, हमारी बैंक जो है आपको लोन आराम से कर देगी, कोई इशू नहीं है। हाँ कहाँ है? अरे राम राम मैनेजर साहब। नमस्कार सर, 2 मिनट आप प्लीज बाहर रुकेंगे? अपने पास इतना टाइम कहाँ मैनेजर साहब, हमको लोन के लिए बात करनी है। सर आप पहले इनसे बात कर लीजिए, मैं रुकती हूँ बाहर। ठीक है मैडम। मैनेजर साहब, लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, आपके यहाँ का हम बहुत पुराना ग्राहक हैं, आपके यहाँ हमारा करेंट अकाउंट है, इसमें लाखों रुपए रहते हैं, आप अपने कस्टमर को नहीं पहचानते। अभी हमारे पास भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 15 जिलों का टेंडर मिला है और टोटल कॉस्ट करीब 15 करोड़ आने वाली है। हमारे पास 5 करोड़ की तो व्यवस्था है, लेकिन 10 करोड़ की जरूरत हमको लोन के रूप में पड़ेगी। आपके यहाँ हमारा बहुत पुराना करेंट अकाउंट है, उसमें लाखों का बैलेंस रहता है, तो सोचे इस बार आपको मैं मौका दे दूँ। आप तो ये बताइए लोन हमारा कब तक हो जाएगा? देखिए आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, लेकिन लोन लेने की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के तहत कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करवा के दे दीजिए, फिर हम उसको आगे प्रोसेस करके कैसे क्या है देख लेते हैं। ठीक है। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हम अपने CEO को भेज देंगे, आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। रही बात आपकी, तो आपकी जरूरतों को हम ये क्या कर रहे हैं शर्मा जी, आप हमारे पुराने कस्टमर हो के ऐसी बात करते हैं? लोन लेने के लिए लोन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सब नहीं लगता है। आपको हमने लिस्ट दी है, आप वो लिस्ट के हिसाब से प्रोवाइड करवाइए, हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करके ऊपर भेज देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है, लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी। आप भी मुसीबत में आएंगे, मेरी नौकरी भी लेके जाएंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया आप डॉक्यूमेंट पूरा करके दीजिए, आगे हम देखते हैं क्या करना है। सॉरी मैनेजर साहब, हमसे गलती हो गई। अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक रहेगा ना शर्मा जी, हम आपका लोन ऐसे ही कर देंगे। मैनेजर साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे श्याम आ जाओ अंदर आ जाओ। नमस्कार शर्मा जी। नमस्ते, बैठो श्याम। इधर कैसे आना हुआ? मैनेजर साहब को कोई इनविटेशन देने आया हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे वाटर प्लांट का कल उद्घाटन करना है। अच्छा। उन्होंने मेरा लोन सेंक्शन कर दिया तो मेरा सपना पूरा हुआ है, तो मैं तो उनके हाथों से ही करवाऊँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन तुम्हारा लोन का एप्लीकेशन तो तुमने दूसरे बैंक में डाला था, फिर वहाँ क्या हुआ? उसने तो मुझे 2 महीने चक्कर कटवा दिए, ऊपर से लोन देने के लिए पैसा भी मांगा। अच्छा। तो मैंने उसकी PDP के अंदर शिकायत कर दी CVC को, और उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी हो गई। अच्छा, मैंने साहब ये PDP होता क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। शर्मा जी, PDP यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इसमें शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। शिकायत हमें सचिव मुख्य सतर्कता आयोग को करना है और लिफाफे पे PDP लिखना जरूरी है। और दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि शिकायत करते वक्त अपना नाम शिकायत में ऊपर या नीचे लिखना है। उस तहत जब हम शिकायत करेंगे तो CVC संबंधित विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी CVO उसके द्वारा जांच करवाएगी, और इसमें जो है CVC CBI की मदद भी ले सकती है। दोषी पाए जाने पर संबंधित विभाग अपने अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर अपनी नियमानुसार कार्रवाई करता है। लेकिन PDP के बारे में तो हमें भी नहीं पता, तो आम जनता को PDP के बारे में कैसे पता चलेगा? शर्मा जी, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष अक्टूबर के महीने में सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है, और उस माह के दौरान विभिन्न जरियों से जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, TV हो गया, रेडियो हो गया, SMS, WhatsApp, इससे हम ये बताते हैं कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ताकि हम इस चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है मैनेजर साहब, चलिए आगे से हम भी ध्यान रखेंगे। चलिए, थैंक यू मैनेजर साहब। CVC ने एक जो जलाई है, अक्टूबर माह में सतर्कता अभियान चलाई है, जन जन तक सतर्कता संदेश फैलाने का किया है फैसला, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का बुलंद किया है हौसला। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम शपथ लेते हैं कि सत्य निष्ठा से भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और भ्रष्टाचार को जय हिंद।